फ्री सब्सक्राइब कीजिए जवाबी बाबा चैनल को और बेल आइकन को दबाएं, रोज पाएं ऑसम नॉलेज वीडियोस। ई कॉमर्स कंटेंट मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो CTA ये आपने ज़रूर सुना होगा। ये एक एब्रीविएशन है जिसका मतलब अभी बताता हूँ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं CTA क्या होता है। बहुत से लोग जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम इसको समझेंगे और समझेंगे तीन ऐसी बातें जिनका कि अगर आप ध्यान रखें CTA यूज़ करने में तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। देखते रहिए इस वीडियो को, आगे बात करते हैं CTA के बारे में। दोस्तों CTA एक एब्रीवेशन है, एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म होती है कॉल टू एक्शन। ये वेबसाइट्स पे ज़्यादातर एक ऐसे बटन के लिए यूज़ होता है जिस पे बटन पे आप वर्ड लिख देते हैं, एक टेक्स्ट लिख देते हैं, एक एक्शन लिख देते हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपका कस्टमर ले। मिसाल के तौर पे अमेज़ॉन की वेबसाइट पे एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट के बारे में दो चार बातें लिखी हैं, उस प्रोडक्ट का प्राइस लिखा है और फिर नीचे दो बटन हैं, ऐड टू कार्ट, बाय नाउ। तो ये जो ऐड टू कार्ट है, ये जो बाय नाउ है, ये CTA है, ये कॉल टू एक्शन है। दिस इज़ अ कॉल बाय अमेज़ॉन फॉर इट्स कस्टमर्स, for the visitors who are looking at that product, call to take an action. What that action is, buy now or add to cart. यही चाहता है ना Amazon अपने customer से कि जो product देखें वो खरीद लें, तो भाई buy now वो use कर रहा है। तो कुल मिला के इसका मतलब है CTA tells the very specific action that you want your visitors, your website visitors to take. तो ये तो होता है CTA। अब बात करते हैं उन तीन बातों के बारे में जिनका कि आप अगर ख्याल रखें अपनी वेबसाइट पे CTA यूज़ करने में तो वो काफ़ी काम आ सकती हैं, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। आइए जानते हैं वो क्या है। दोस्तों CTA कॉल टू एक्शन, नाम में ही एक्शन है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी एक्शन ओरिएंटेड फीचर। आपने वेबसाइट खोली है, दुकान खोली है, तो आप जो भी उस दुकान में बेच रहे हो, वेबसाइट में बेच रहे हो, ये उसमें आप कुछ एक्शन चाहते हो। यू हैव अ पर्टिकुलर अ वेरी स्पेसिफिक एक्शन दैट यू वांट योर कस्टमर टू टेक। अगर आपकी कुछ बेचने की वेबसाइट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस बिके। और अगर आपकी कोई ऐसी ही नॉलेज की वेबसाइट है, सर्वे की वेबसाइट है, फॉर्म फिल करने की वेबसाइट है, तो आप चाहते हो कि कस्टमर फॉर्म फिल कर दे, सर्वे फिल कर दे, जो भी एक्शन। एक हर वेबसाइट के साथ एक एक्शन होता है राइट, जो कि आप चाहते हो कि आपका कस्टमर ले। तो इसीलिए CTA में हमेशा ज़्यादातर लोग वो जो स्पेसिफिक एक्शन वो चाहते हैं उस कस्टमर से, वो वही लिखते हैं। जैसे कि कुछ डाउनलोडेबल कंटेंट आपका है, कोई PDF है, कुछ बुक है, कोई मूवी है, कोई वीडियो है, तो नीचे CTA होगा डाउनलोड या डाउनलोड नाउ। कुछ बेच रहे हैं तो बाय नाउ, ऐड टू कार्ट। इसी तरीके के CTAs यूज़ होते हैं। डायरेक्ट जो एक्शन लेना है वही वेरी स्पेसिफिक यूज़ करते हैं, जिसमें कोई बुराई नहीं है, काम भी करता है। अमेज़ॉन जैसी बड़ी वेबसाइट पे हमने ऐसे CTAs देखे हैं, लेकिन स्टडीज़, रिसर्च ये बताते हैं कि इफ़ यू आर रियली क्रिएटिव विद द यूज़ ऑफ CTAs एंड इफ़ यू आर रेडी टू डू अ बिट ऑफ टेस्टिंग ऑन योर वेबसाइट, यू कैन रियली टर्न इट इनटू बेनिफिट। दैट मीन्स यू कैन मैक्सिमाइज द परफॉर्मेंस of your website, conversion rate, click-through rate on your website, if you can do a little play around with those CTAs. CTAs के साथ थोड़ा experiment करने की ज़रूरत है। मतलब ये कि अगर आप action-oriented CTAs को benefit-oriented बना सकें, there are chances that they will end up being more beneficial, more convertible for you. Convertible का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि ज़्यादा customers उन पर click करेंगे, click-through rate बढ़ेगा, ज़्यादा customers will end up buying और एंगेजिंग विद योर वेबसाइट, जो भी एक्शन आप चाहते हो आपकी वेबसाइट पे हो। अब सवाल है कि उसको बेनिफिट ओरिएंटेड बनाए कैसे। एक्शन ओरिएंटेड तो बहुत आसान है कि भाई कुछ डाउनलोड करवाना है तो डाउनलोड नाउ, कुछ बाय करवाना है तो बाय नाउ, तो ये जो भी स्पेसिफिक एक्शन है वो यूज़ कर लिया। बेनिफिट ओरिएंटेड में यू रियली हैव टू बी क्रिएटिव। यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हाटएवर मेन कंटेंट दैट यू हैव, व्हाटएवर यू आर सेलिंग ऑन योर वेबसाइट, दैट टॉक्स टू द CTA, इट रिलेट्स टू द CTA। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कि आप आपकी कोई ब्लॉग की वेबसाइट है जिसमें आप एक वीडियो दिखा रहे हो, वीडियो में आप कुछ टाइटल वगैरह भी यूज़ कर रहे हो, वीडियो के ऊपर ही एक टीज़र यूज़ कर रहे हो जिससे कि उस इम्प्रेशन मिलता है कि उस वीडियो में क्या हो सकता है। आपने एक अवेयरनेस, एक इंटरेस्ट जगा दिया और फिर नीचे CTA यूज़ कर रहे हो
वॉच राइट नाउ। तो ये जो वर्ड है वॉच राइट नाउ एज अ सी टी ए आप यूज़ करोगे तो यहाँ पे उसको डायरेक्ट बेनिफिट दिख रहा है कि अभी इसी वक्त वॉच करो। ये बहुत ही छोटा एग्जाम्पल है और कई लोगों को ये लगेगा कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क पड़ता है। वेन वी आर टॉकिंग अबाउट थाउजेंड्स ऑफ विजिटर्स विजिटिंग योर वेबसाइट एंड यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स लाइक दिस, द रीज़न यू वुड डू दीज एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज यू हैव अ गोल ऑफ ऑप्टिमाइजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ दैट बटन। ओके, तो इसीलिए इसको ए बी टेस्टिंग कहते हैं। जब आप ऐसा करोगे यू माइट सी अ बेनिफिट इन दैट एक्सपेरिमेंट इन यूजिंग वन थिंग वर्सेज दी अदर। तो यहाँ पे अगर आप सिर्फ वॉच यूज़ करते कि वॉच वो वीडियो के नीचे सी टी ए यूज़ करते वॉच उसकी जो परफॉर्मेंस होती है और वॉच राइट नाउ उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो अलग होगी। आप आसानी से टेस्ट कर सकते हो कि भाई अगर ये यूज़ करने पे कितने परसेंट कस्टमर्स हमारी वेबसाइट के साथ इंगेज कर रहे हैं और ये यूज़ करने पे हमारी वेबसाइट के साथ कस्टमर्स कितने इंगेज कर रहे हैं। जो भी बेटर है यू विल कंटिन्यू यूजिंग दैट। सो कुल मिला के बेनिफिट हाईलाइट करने की बात है। इसी तरीके से अगर आप वेबसाइट पे कोई बुक की इन्फॉर्मेशन दिखा रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी बुक या जो भी आपका कॉन्टेंट है वो लोग डाउनलोड करें, तो या तो आप एक सिंपल सी टी ए यूज़ कर सकते हो डाउनलोड या डाउनलोड नाउ, या कुछ इंटरैक्टिव सा ऐसा यूज़ कर सकते हो जो कि रिलेट करे कस्टमर के साथ। एक बार उसने आपने बुक का वो टीज़र पढ़ लिया, ट्रेलर पढ़ लिया, चार लाइनें जो आपने एडवर्टाइजमेंट में लिखी हैं वेबसाइट पर पढ़ ली, उसके बाद नीचे गेट मी माई ई बुक नाउ, गेट योर ई बुक नाउ, डाउनलोड योर ई बुक नाउ, रीड मोर, इस तरीके के जो हैं ये एक बेनिफिट हाईलाइट कर रहे हैं जिससे कि कस्टमर को बेनिफिट पता लगता है कि इस बटन पर क्लिक करने से क्या होगा। आप अपनी वेबसाइट पर वो बेनिफिट हाईलाइट कर रहे हैं। दिस कैन वैल्यू रिजल्ट इन योर फेवर। दूसरा जो मैं एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूँगा जो कि बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है वो है स्टैंड आउट। आपने पीके फिल्म देखी होगी आमिर खान की, जो कि पहले बहुत कुछ साल पहले आई थी। उसमें वो येलो कलर की टोपी पहन के घूमता है और उसका रीज़न ये बताता है सो दैट ही कैन स्टैंड आउट अमंग द क्राउड। बहुत भीड़ में गॉड उसको पहचानेंगे कैसे, तो वो अलग दिखना चाहता है। टैक्सी का एग्जाम्पल देता है। टैक्सी जो काले पीले कलर की होती है भीड़ में कई गाड़ियों में आसानी से आप उसको स्पॉट कर सकते हो। तो इसीलिए वही एक इसी से रिलेटेड सी टी ए का भी फंडा है कि सी टी ए वेबसाइट पेज पे काफ़ी अलग दिखना चाहिए, अलग दिखना चाहिए, ईजिली स्पॉट होना चाहिए जिससे कि कस्टमर को वो दिखे, अलग ही दिखे और वो उस बटन पे क्लिक करे और वो डिज़ायर्ड एक्शन ले जो कि आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट पे हो। अब ये जो स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड है इसके लिए दो चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। अगर आप इफ़ यू रियली वांट टू मेक अ बटन रियली स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंटेंट ऑन योर पेज, टू थिंग्स, साइज ऑफ दैट बटन, साइज ऑफ द फॉन्ट दैट यू आर यूजिंग ऑन दैट सी टी ए, सेकेंड कलर। रंग बिरंगी वेबसाइट होती है तो ज़्यादा एंगेजमेंट होती है। साइज बड़ा होना चाहिए जो आपने बाकी फॉन्ट यूज़ किया है थ्रू आउट कस्टमर को एंगेज करने के लिए। और फिर जब आप एक एक्शन कस्टमर को ले रहे हो कि ले, सो उसका बटन ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। एक स्टैंडर्ड साइज़ जो कि इंडस्ट्री वाइज वर्क करता है सी टी एस के लिए वो होता है 44x44 pixel, बट डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्टेंट ले आउट आप वो थोड़ा वेरी भी कर सकते हैं। लेकिन इतना बड़ा भी सी टी ए नहीं होना चाहिए कि जो ओवरऑल पेज का जो कॉन्टेंट है, जो मीनिंग है वही खो जाए, राइट। सो ज़्यादा बड़ा भी ना हो, जो साइज़ मैंने बताया उसके आसपास हो, लेकिन बाकी कंटेंट से बड़ा होना चाहिए। कलर में एट टाइम कई लोग मानेंगे नहीं, लेकिन कलर रियली मेक्स अ डिफरेंस एंड कलर कैन रियली यू नो टर्न इट ऑन और टर्न इट ऑफ फॉर एनी विजिटर। कलर में कई कस्टमर्स ऐसे होंगे जो यू नो हु विल रियली स्कैन द पेज और किस कोई हल्के फुल्के कलर में है वो नज़र में नहीं आएगा उनकी, वो उसको इग्नोर कर देंगे। कई बार जस्ट बाय यूजिंग द राइट कलर पैलेट ऑन योर पेजेस यू कैन मेक दैम मोर प्रॉफिटेबल, मोर कन्वर्टेबल, ठीक है। तो कलर में एक थंब रूल सिंपल ये है कि यू हैव टू यूज़ द कंट्रास्ट कलर, ओके, इट शुड बी कंट्रास्टिंग विद द रेस्ट ऑफ द कॉन्टेंट। अगर बाकी का कॉन्टेंट किसी एक पर्टिकुलर कलर में है तो जो सी टी ए आप यूज़ करोगे वो डार्क टोन में, एक कंट्रास्ट टोन में होगा और ईजी टू अंडरस्टैंड कि इट विल रियली मेक द सी टी ए लुक स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टेंट, ईजिली आई कैचिंग
customers, more number of customers will end up clicking on that. जो तीसरी चीज है वो है लोकेशन। आप सीटीए कहाँ लगाओगे वेबसाइट पे? बहुत ही आसान सोचने में लगता है कि भाई जो प्रोडक्ट है जो भी है वो नीचे लगा देंगे। दिस इज रियली अ मैटर ऑफ यू नो प्रॉपर स्टडी एंड रिसर्च एंड इट मे वेरी पेज टू पेज, बट वन थंब रूल इज दैट वट एवर मेन कॉन्टेंट दैट यू आर शोइंग, जो मेन कॉन्टेंट आप प्रोडक्ट दिखा रहे हो उसके आप नीचे लगाओ एट द बॉटम ऑफ इट, राइट? वहाँ पे तो ज़रूर लगाओ, वहाँ पे तो ज़रूर, मतलब एक मस्ट है, रूल ऑफ थंब है। लेकिन कई बार ये थोड़ा वेरी भी करता है डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज़ द इंफॉर्मेशन दैट यू आर गिविंग ऑन योर वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ख़रीदने के लिए कस्टमर को एक बार सॉफ्ट कॉल देना पड़ता है, राइट? कस्टमर का इंटरेक्शन ज़रूरी है एक सेल्स एजेंट के साथ, राइट? आइदर थ्रू ईमेल और थ्रू फोन और थ्रू चैट, देन यू मे वॉन्ट टू यूज अ CTA। आप शायद एक CTA यूज करना चाहोगे मिड ऑफ द कॉन्टेंट में भी, राइट? आप कहीं समवेयर इन द मिडल यू मे वॉन्ट टू प्लग इन अ CTA विच विल बी ओके, यू नो, इफ यू यूज इट विद स्लाइटली अ डिफरेंट कलर, मे बी द वेरिएशन ऑफ द सेम कलर। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने वेबसाइट में प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देते हुए ये बता रहे हो, वारंटी का बेनिफिट समझा रहे हो, राइट? और देन यू आर यूजिंग अ CTA, वारंटी का बेनिफिट समझा रहे हो कि भाई ये प्रोडक्ट लोगे तो ये बेनिफिट मिलेगी, हमारे एजेंट से आपको अन इंटरप्टेड अनलिमिटेड सपोर्ट मिलेगा, टॉक टू अ सेल्स एक्सपर्ट नाउ। फिर आपने दो चार इन्फॉर्मेशन और दी और नीचे फिर लिख दिया बुक योर डेमो नाउ, बाय नाउ, बुक योर सर्विस नाउ। ऐसे करके डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेंट दैट यू हैव ऑन योर वेबसाइट, यू मे हैव मोर देन वन CTAs एज वेल। एक CTA तो जो बिगर CTA है, द अल्टीमेट एक्शन दैट यू वॉन्ट योर कस्टमर्स टू टेक। द सेकेंड इंटरम CTA कुड बी जस्ट टू टेक अ सब एक्शन और अ सपोर्टिंग CTA, यू नो, सपोर्टिंग सर्विस, सपोर्टिंग फीचर दैट यू वॉन्ट टू गिव, विच विल एड अप टू द ओवरऑल गोल दैट यू वॉन्ट टू अचीव। तो ये तीसरी बात हो गई। तो पहला मैंने क्या बताया कि कॉल टू एक्शन एक्शन ओरिएंटेड CTAs होते हैं, अगर आप किसी तरीके से उसको बेनिफिट ओरिएंटेड बना सको, बेनिफिट दिखा सको, ग्रेट। दूसरा मैंने क्या बताया कि कलर और साइज, यानी कि मेक देम स्टैंड आउट, ओके, दे शुड वेरी लुक स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कॉन्टेंट, जिसके लिए आपको कलर पे ध्यान देना है, साइज पे ध्यान देना है। और तीसरा लोकेशन। लोकेशन में मैं आपको एक और बात बता दूं कि लोकेशन, इवन दो देयर इज वन रूल ऑफ थंब के वो बॉटम में होना चाहिए, बॉटम में कहाँ, मीन टूवर्ड्स द राइट, टूवर्ड्स द लेफ्ट, और एग्जैक्टली राइट एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टेंट, इट इज ओके टू कंडक्ट वेरियस AB टेस्ट, राइट, ऑन योर वेबसाइट। स्टडीज हैव शोन दैट द मोर AB टेस्ट दैट यू डू, मोर कॉन्फिडेंस दैट यू वुड गेट एंड मोर रियलिस्टिक पिक्चर दैट यू वुड गेट दैट हाउ इज योर ट्रैफिक बिहेविंग एंड कन्वर्टिंग ऑन द वेबसाइट। मतलब AB टेस्ट के बहुत सारे टूल्स आते हैं। अगर आपका कोई एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसके साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट कीजिए, AB टेस्ट कीजिए, एंड देन यू कैन क्लोज ऑन दी बेस्ट स्ट्रैटेजी, बेस्ट लोकेशन प्लेसमेंट फॉर दी सिटी। ये AB टेस्ट से, क्योंकि वेबसाइट टू वेबसाइट डिफर कर सकते हैं रिजल्ट्स। तो ये थी तीन बातें CTA के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके के क्या क्यों कैसे वाले वीडियोज मैं अपने चैनल पर बनाता रहता हूँ। आई विल कंटिन्यू मेकिंग मोर। सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।